नमस्कार, आरजी न्यूज पर आपका स्वागत है। थाना बारादरी नवादा शेखान, जहां मोहल्ले के बिक्की मोनू, डीके सालू गुप्ता, गोली अभिषेक, ये इनका थाने बारादरी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये आए दिन मारपीट और गलत काम करते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने कच्ची शराब भी बेची। इस मामले में सत्यवीर का कोई पैसों का विवाद था, जो कि ये लोग सतबीर के घर पर पहुंचे और वहां जहां उनकी एक लड़की है, लड़की और उन तो लड़की के मना करने पर कि हम घर में कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हथियार लेकर उन पर हमला किया लड़की पर, उसको घायल कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बरेली जिला अस्पताल में परिवार के लोग उसका मेडिकल कराने पहुँचे और जगतपुर चौकी इंचार्ज ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई गिरफ्तारी की है। और उन्होंने सतबीर ने यही बताया कि इन्होंने अभिषेक के घर पर तमंचा, शराब, ये सब चौकी इंचार्ज के साथ बरामद कराई, लेकिन उसके बाद भी कोई उन पर धाराएं नहीं बनी हैं। शराब की, तमंचे की हल्की धाराओं में मुकदमा कर दिया है और बाकी उन पर कोई धारा नहीं लगी है, और धारा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो लोग, परिवार के लोग, पीड़ित पक्ष। अब वो न्याय मांग रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है उन्हें, न्याय की गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से। देखते रहिए आरजी न्यूज चैनल, सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। क्या हुआ तुम्हारे साथ बेटा? बिक्की ने हमें घर में घुस के मारा। कौन बिक्की कहाँ रहता है? वो उधर रहता है, नवादा शेखान में रहता है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम खुशबू मर रहा है। अच्छा, उन्हें बहुत मारा, हमें बिक्की मर रहा है। हम उससे कह रहे घर में कोई भी नहीं है हमारे, मम्मी पापा आ जाए फिर बात करना, अभी जाओ। फिर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, फिर हत्ता लेके आया, डीके के हाथ में हत्ता था, उन्होंने ही मेरे हत्ता ही हत्ता मारा। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, वो आ जाए तब बात करना, तो बहुत मुश्किल में गया है वो, कुछ लोग उन्होंने भगाया उन्हें। अच्छा, तुम्हारे चोट लगी है और किसी के भी लगी है? नहीं, मेरे चोट लगी है, मेरी माँ के चोट लगी है। तुम? मैं उन्हें सजा दिलवाना चाहती हूँ। कारण नहीं था, क्या क्या नाम है उनके? डी के और विक्की मौर्य और मोनू। मोनू शाह। नाम है तुम्हारा? विनीता। विनीता, इनको जानती हैं जिनके साथ मारपीट हुई है? हाँ जानती हैं। क्या नाम है इनके? इनका नाम है सत्री मोरिया, आशा मोरिया, आकाश मोरिया। क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ हुआ मारपीट। मारपीट हुई, कितने बजे की बात है? 6 बजे। कब की बात है? शाम के, शाम 6 बजे। कब की, आज की या कल की? कल। शाम 6 बजे रहे। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ था, मतलब क्या देखा आपने? ये देखा, वो आया बिक्की, हमसे बोला कि बोले सतबीर है, तो हम के वो लोग नहीं है। तो इसके बाद जो खुशबू थी लड़की, वो बोल पड़ी कि पापा मम्मी हमारे नहीं है, तो इसलिए वो फिर बाहर चला गया, ताके बाद हत्ता लेके आया, तो इसको मारने लगा। हमारी गोदी था, मेरे बच्चा था, तो बच्चे घर बार के रोने लगे एकदम, इसने मारा थोड़ा। क्या नाम है आपका? सुधा मिश्रा। कहाँ रहती हैं आप? नवादा शेखान। जिनके साथ मारपीट हुई आप उन्हें जानती हैं? हाँ, हमारे पड़ोस में ये लोग। क्या नाम है इनके? इनके नाम है आशा मौर्या, खुशबू मौर्या, सतवीर मौर्या। अच्छा, तो ये जो मारपीट हुई थी, तो आपने देखा कुछ? मैंने जब देखा, जब यहाँ मतलब मारपीट हो रही थी। अच्छा। मैं अंदर पूजन कर रही थी, मेरा कल व्रत था, तो जब हम जब यहाँ पे बच्चे चीखे कि मर गई खुशबू दीदी, तो मैं आई तो इसके सर से खून बह रहा था, तो मैंने इसे बचाना चाहा, बहुत कोशिश की, फिर इसे हमने हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया और एक हाथ वो पकड़ के खींच रहा था अपने तरफ, उसने हत्ता चलाया, जब नहीं रोक पाया तो मैंने उसका हाथ से अपने हत्ता पकड़ा। कौन था वो? बिक्की मोदी। और वो साथ में जो थे उनको हम नहीं जानते हैं। ये बात सच है? मतलब एक यहाँ पे खड़े थे वो, जब ये लोग बता रहे नाम वो था डी के, नहीं वैसे हम किसी को नहीं जानते। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? ये करीबन 6 बजे की बात है। कल की? कल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर मौर्य। कहाँ रहते हैं? नवादा शेखान में। थाना कौन सा है? थाना बारादली।
क्या हुआ था जो आप, ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। और ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। क्या नाम इनका? इनका नाम आशा देवी है, इसका नाम खुशबू है लड़की का। तो क्या हुआ था ये? ऐसा था कि साहब हमने 20 डाली थी, जो मतलब 20 लोग डालते हैं, उसका हमारा 12,000 रुपए उस पर चल गया था। एक घरेलू सिलेंडर ले गया था रिश्तेदारी के तौर पर, तो वो लेने के लिए गए, उससे थोड़ा सा विवाद हो गया था, उसने मना करा था। ऐसा नहीं बोला था, अच्छा कल दे दूंगा मैं कहकर, उसके बाद में 4-5 गुंडे लेके आया वो घर में, मेरी लड़की अकेली थी, उसे मारा पीटा किचन में। ऐसा नहीं, इसकी सूचना हमने बारादरी थाने में भी दी, जगतपुर चौकी में भी दी, लिहाजा सेटेलाइट पे चौकी इंचार्ज से भी कहा, चौकी इंचार्ज ने कोई लापरवाही कर दी लड़की के मारने पीटने की, चौकी इंचार्ज के ठीक सामने खून गया, चौकी इंचार्ज ने उस पर भी कोई अमल नहीं किया। चौकी इंचार्ज लग रहा है मुझे मिला हुआ है उन लोगों से, और मुझे व्हाट्सएप जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा था विक्की मौर्या का, कि विक्की मौर्या से ऐसे ऐसे वाली बात है, उसका मुझे बार बार व्हाट्सएप दिखा रहा था, सोई सिपाही उसके, सोई चौकी इंचार्ज, और मेरी रिपोर्ट में साहब मैंने टुकड़ा उसके घर में बरामद कराया है, दारू बरामद कराई है, ना ही तो उसमें रिपोर्ट में कुछ दिखाया है, जो सब लोग उसको पी गए, और एक लड़का मैंने जो पकड़वाया था जो मेरे घर में घुसा था, उसे भी मुझे उम्मीद है कि छोड़ रखा है लोगों ने पैसे खा कर, मेरी कोई मदद नहीं करना चाहते हैं साहब, ऐसा समझ लो। जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ टाल देता हूँ। मैंने सीओ को भी फोन किया है, सीओ के द्वारा मेरी एनसीआर लिखी गई, वो भी बेकारी में लिखी गई है, बेकारी बिल्कुल भी, मतलब दो चीजें मैंने पकड़वाई, उसमें कुछ भी नहीं है, ना ही तो दारू का वो है, और ना ही मतलब तमंचे का। चौकी इंचार्ज कौन है? चौकी इंचार्ज का नाम नहीं पता साहब, काले से है, शकल से जानता हूँ, नाम नहीं जानता। अच्छा अच्छा, हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं साहब, इन लोगों को सजा मिले। बताइए, हमारी लड़की को घर में मार के गए, ऐसा नहीं है, गुंडे हैं ये, तो इनका काम ही यही है, जहाँ तहाँ से कच्ची दारू लाना या वैसे दारू लाना, पूरे कर्फ्यू इनने दारू बेची है, तो ये अपराधी हैं। अपराधी नहीं, अपराधी हैं साहब, इन्हें तो सबको मालूम है, और एक एक ऐसा कोई लड़का नहीं है इनमें से जिनका नाम लिया है मैंने, कि जे थाने के हिप्पी शीटरी में नहीं है, तो जैसे मतलब वो सालू गुप्ता है या विक्की मौर्या है या डीके है, ऐसा नहीं है, और एक वो है गोली, गोली कहते हैं, और भी लड़के हैं जैसे, तो जिनके जैसे नाम नहीं जानता। तो घर में कौन, घर में कौन आया था? घर में विक्की, डीके और मतलब अभिषेक। अच्छा, जो लोग तो घर में आए थे, जब हम चौकी इंचार्ज के पलंग से आ रहे थे। आप नहीं थे घर पे? नहीं, हम लोग घर पे नहीं थे, ना मेरी बीवी थी ना मेरा लड़का था, हम तो शिकायत करने गए थे इन लोगों की। अच्छा, कि जे इस तरीके से पेश आ रहा है, हम पहले बारादली गए, बारादली के बाद चौकी गए, बारादली से बाललिस्ट करके हमें चौकी भेजा गया, चौकी के बाद हम सैटेलाइट पे गए, सैटेलाइट पे भी सुनवाई नहीं हुई, चौकी इंचार्ज खड़े होकर देखते रहे, फोन उनके सामने आया, वहाँ TI भी मौजूदगी में थे और भी पुलिस वाले मौजूदगी में थे, मगर इनने कोई अमल नहीं किया। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं साहब, हमारा जो है जो कानूनी कार्रवाई है, मतलब सही वाली लिखी जाए, ये गलत शर्त लिख दी इनने, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? हमने तो तमंचा भी पकड़वा दिया उनके घर में और दारू भी पकड़वा दी, इसका कोई लाभ नहीं है। ठीक है, नाम है आपका? आशा। ये आप लड़की है आपकी? हाँ। अच्छा, क्या है इसका नाम? अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ मारपीट, और आपकी बेटी के साथ मारपीट हुई? घर में घुस के मारा हमें, हमारी बेटी को। हाँ। घर में कोई था नहीं क्या? घर में कोई है नहीं, आदमी कोई है नहीं, औरतें ही। कौन कौन को, कौन किन, किसने मारा? विक्की ने, और वो उसका नाम है अभय। अच्छा, डीके। अच्छा, और तो ये लोग घर में घुसे आए थे? हाँ, घर में। कितने बजे की बात है? ये है 5-6 बजे की बात। कब की ये बात? कल की है। जो यहाँ चौकी पे पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई नहीं, उधर हम गए बुलाने टाइम, और हुआ सैटेलाइट पे खड़ी, और लड़की को मार रहे, तो तब भी पुलिस नहीं आई वहाँ से। वहाँ भी नहीं आई? हाँ, तो फिर बाद में आई। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना बारादरी। क्या चाहती हो आप? हम सजा दिलवाना चाहते हैं इन लोगों। आपकी चोट कहाँ लगी? ये हाथ में लगी, जेल लगी। आँख पे?